लालू ने खिलाया राहुल गांधी को चंपारण मटर। इंडिया का संयोजक अब बनेंगे सीएम नीतीश। लालू से कैबिनेट विस्तार का विवाद सुलझाने गए थे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संजीवनी मिल गई है। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। इस एक फैसले के कांग्रेस के लिए जहां कई मायने हैं, वहीं बिहार की सियासत में भी इसका बड़ा असर दिखने को मिल सकता है। आपको बता दें, राहुल पर सुप्रीम फैसले से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने रविवार देर शाम अपनी सांसद बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास पर चंपारण मटन बनाकर राहुल को खिलाया। इसके साथ ही दिल्ली से पटना तक सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू राहुल मुलाकात के दौरान इंडिया के संयोजक के प्रबल दावेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई? साथ ही नीतीश कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस मंत्री बनाए जाने पर क्या बात हुई? आइए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। मुंबई में 25-26 अगस्त को विपक्षी दलों की गठबंधन INDIA की दूसरी बैठक होने वाली है। नया गठबंधन बनने के बाद यह पहला मौका है जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। वहीं नीतीश को पिछली दो बैठकों में विपक्षी एकता का कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया है। बेंगलुरु की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पटना लौट आए थे, तब इस पर कई तरह के सवाल उठे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने दूसरे दिन नाराज होने वाली बात को खंडन करते हुए कहा था कि राजगीर के कार्यक्रम की वजह से जल्द वापस आए थे। बेंगलुरु बैठक के बाद राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि जानकार बता रहे हैं कि नीतीश के इंडिया का संयोजक बनने में सबसे बड़ा रोड़ा उनका NDA बैकग्राउंड से होना है। ऐसे में कांग्रेस को पटाने की जिम्मेदारी नीतीश ने लालू यादव को दे रखी है। मटन पार्टी में नीतीश को लेकर सियासी चर्चा उनके मुंबई बैठक में संयोजक बनाने जाने का रास्ता साफ कर सकती है। अगर नीतीश संयोजक बन गए तो 2024 की लड़ाई क्या मोदी बनाम नीतीश हो जाएगी? आइए समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। जदयू के तमाम नेता इस बात की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि नीतीश को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जिस तरह से बिहार में पोस्टर लगते हैं, उनकी दावेदारी को मजबूत दिखाने की कोशिश होती है। वो साफ बता देता है कि विपक्ष की अगुवाई करने में नीतीश कुमार पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से जब पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात हुई तो सबसे पहले तमाम बड़े नेताओं से मिलने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। उसके बाद पटना में पहली बैठक में भी उनकी अगुवाई में ही की गई। संदेश तो जरूर दिया गया कि नीतीश कुमार के सामने से लीड कर रहे हैं। इसके ऊपर ऐसी खबरें भी थी कि बाद में नीतीश कुमार तेजस्वी को CM पोस्ट देकर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। जानकारों के मुताबिक अब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को बड़ी चोट पहुंची है। राहुल गांधी की वापसी के साथ नीतीश की दावेदारी काफी कमजोर हो गई है। कांग्रेस किसी कीमत पर राहुल के अलावा किसी दूसरे चेहरे को स्वीकार नहीं कर सकती। कहने को जरूर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि राहुल या कांग्रेस को PM उम्मीदवार बनने की लालसा नहीं है, लेकिन जैसे राजनीतिक समीकरण है, राहुल गांधी की दावेदारी स्वाभाविक तौर पर ज्यादा प्रबल होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट से मानहानि केस में सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी ने पहली बड़ी मुलाकात लालू यादव से की। संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ राहुल RJD सुप्रीमो से मिलने पहुंचे थे। वहां डिप्टी CM तेजस्वी यादव और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले से मौजूद थे। RJD और कांग्रेस नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसके बाद से सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। लालू राहुल के बीच मुलाकात को सीधे बिहार में कैबिनेट विस्तार से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस बिहार में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की मांग कर रही है। पार्टी की कोशिश मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कैबिनेट विस्तार कराने की है। खुद राहुल गांधी भी पटना में विपक्षी मोर्चे की मीटिंग में कैबिनेट विस्तार की मांग उठाई थी। राहुल गांधी ने सीधे नीतीश कुमार से पूछा था कि कैबिनेट विस्तार कब करा रहे हैं। हालांकि उस घटना के 42 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार में मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पाया है। अंदरखाने से मिली खबर बता रही है कि लालू और नीतीश बिहार में होने वाले कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को एक और मंत्री पद देने पर सहमत हैं, जबकि कांग्रेस की मांग
दो मंत्री पद की है। मंत्री के सदस्य संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीएम नीतीश इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं दिख रहे, तभी तो लालू तेजस्वी ही कांग्रेस की मांग पर फैसला लेने आगे आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता के अगुवा का नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी छोड़ चुके हैं। नीतीश कई बार कह भी चुके हैं वो बीजेपी को हटाने के लिए सभी दलों को साथ लाए हैं। हालांकि नीतीश की अंतरात्मा कब क्या नया कह दे इसे कोई नहीं बता सकता। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का चेहरा आगे किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो सकेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस राहुल के नाम पर किसी हाल में बैक होने के मूड में नहीं है। ऐसे में नीतीश की महत्वाकांक्षा और उनके संयोजक बनने को लेकर आगे क्या फैसला होता है, साथ ही नीतीश कैबिनेट विस्तार में राहुल की एंट्री से कांग्रेस के कितने मंत्री बनाए जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। उस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।